नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्म खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष, और अभी हम लेके जा रहे हैं आपको चंपावत, जहां पर शादी टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द प्लेस हो रही है। और सुरेश जी, पवनदीप के पापा जी हमसे जुड़ रहे हैं। कैसे हैं अंकल? आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, फ्रेश लग रहे धन्यवाद हैं। जी धन्यवाद। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप भी ठीक हैं? आप भी बिल्कुल अच्छी लग आशीर्वाद है रही हैं। अंकल आपका। आप बताइए, शादी का घर है, कैसे आप टाइम मिलता ही नहीं होगा आपको, खाने पीने की सूझ नहीं होती होगी। हाँ, वो क्योंकि अब घर में बड़ा मैं ही हूँ। हमारी शादी तो पापा लोगों ने की, जैसे वो लोग निभा चुके। अब पहली बार निभा रहा हूँ मैं। पवनदीप बड़ा हुआ, उससे छोटी चांदनी, फिर ज्योति। अब पहला ये लगन हुआ ना, पहला कार्य मैं कर रहा हूं, तो अनुभव भी नहीं हुआ कैसे करते हैं क्या करते हैं, तो वो सब तैयारी कर रहे हैं अब। बाकी आप लोगों का सहयोग आशीर्वाद है, निभ जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल अंकल, तो चूंकि अब पवन तो बहुत बड़ा नाम है आपका, वहां पर नाम बहुत फैला हुआ है, आपकी आवाज लोगों को हमेशा याद रहेगी। पवन की तो आवाज की दुनिया तारीफ करती है, तो बहुत सारे लोग आपसे संपर्क में आते हैं। किस कौन कौन आ सकता है शादी में, सब कोई जानना चाहते हैं। इसमें शादी में तो बड़ी बड़ी हस्तियां भी आएंगी। अब क्या बताऊं, यहाँ हमारे उत्तराखंड का ये कला, टूरिज्म और संस्कृति और निर्वाचन, इनका ब्रांड एम्बेसडर भी है, तो वो लोग भी आएंगे। शासन प्रशासन से लोग आएंगे, और ज्यादातर तो ये हो रहा है पवनदीप की बहन की शादी है करके, जिनको इनविटेशन नहीं है वो लोग भी ज्यादा, भीड़ लोगों को पता चल गया है आप लोगों के माध्यम से भी, तो अब लोगों को पता है, तो उत्तराखंड में बहुत दूर दूर से भी लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। तो तब कह रहा हूँ, और जो आएंगे, पूछा आपने, इंडियन आइडल के जो टॉप 15 थे, सभी को इनविटेशन भेज रहे हैं अरे वाह, हम। महेश सर को भी भेजूंगा मैं, शान सर को भी भेजूंगा, हिमेश सर को, और जितने भी जजेस थे भेजेंगे। अब जिनका टाइम होगा आएंगे, अपने अपने होते हैं, लेकिन मेरी तरफ से उनको इनविटेशन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी अच्छी खुशखबरी की बात है। जमाई साहब के बारे में बताइए, कौन है, कहाँ, क्या ऐसी खास बात है जमाई साहब की जो आपको बड़ी अच्छी लगती है? मेरे जमाई जी ठीक है, हमारे परिवार से, हमारे खानदान से ही हैं, तो रीति रिवाज से शादी हो रही है। इतने बड़े बिजनेसमैन भी नहीं है, शॉप है उनका, मतलब कपड़ों का एक शोरूम है, चलाते हैं। पहले जॉब करते थे जयपुर में, कोविड की वजह से फिर घर में अपना धंधा करने के लिए उन्होंने एक कपड़े का वो खोला। शरीफ परिवार है, मेरे समधी जी बहुत अच्छे हैं, उनके पापा जी मान जाते हैं, क्योंकि शादी के लिए भी पहले करते, पहले पवनदीप का वो इंडियन आइडल चला था, नवंबर दिसंबर में नहीं कर पा रहा था मैं, नहीं तो आपको बताया था मैंने दिसंबर में शादी है करके। हाँ जी, आप समधी जी से बोला, मेरे पवनदीप को जब खाली मिलता है, क्योंकि उसका नेशनल इंटरनेशनल शो चल रहे हैं, तो मैंने बोला कि समधी जी, पवनदीप से पूछता हूँ उसको कब फ्री होता है, तो उस हिसाब से शादी निकालते हैं। तो पवन ने बोला, पापा 7 से 9 के बीच में शायद मैं फ्री हूँ, उसी बीच में निकालिए। तो अब 7 फरवरी की शादी निकल गई है ये, तो 6 को महिला संगीत वगैरह कुछ रस्में होती हैं हमारे हिंदू समाज में, वो तैयारी करके इस प्रकार से है। बहुत अच्छा परिवार मिला, क्योंकि उनके मेरी क्या बेटी चांदनी, चांदनी भी थोड़ा शरीफ टाइप में है, जमाई जी भी वैसे ही शरीफ है। बहुत अच्छा, अच्छे क्या क्या अच्छी बात लगती है आपको जमाई में, जमाई राजा में? जमाई में यह है कि जैसा मेरा पवनदीप है, कि वो बड़प्पन दिखाना नहीं जानता है, जैसे आप लोग कहते हैं डाउन डाउन टू अर्थ, बहुत उसी बहुत प्रकार मेरा दामाद भी वही गुण है उनमें भी, हमें वही चाहिए, तो बहुत प्यारा बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकल, फिर ये जो रीति रिवाज रहते हैं, वैसे तो हिंदू पद्धति से होनी ही है क्योंकि हिंदू धर्म है, तो क्या उत्तराखंड में भी शादी कुछ अलग तरीके से होती है? जैसे हमारे यहाँ शादी लगाना बोलते हैं, या मराठी में मंगलाष्टक को जो मंगल गीत गाते हैं उसे मंगलाष्टक भी कहा जा सकता है, है। तो कुछ अलग होता है? हमारे हमारे यहाँ आपको भी इनविटेशन भेजा है, आप जी आएंगे देखेंगे, हमारे यहाँ का जो छलिया नृत्य होता है उत्तराखंड का, वो विशेष रूप से आ रहा है उस शादी में, यहाँ का जो रीति रिवाज होता है। बाकी तो शादी एक ही चीज है, 7 फेरे होते ही है, हाँ जी पंडित जी मंत्र पढ़ते ही हैं, हाँ जी हल्दी लगती है, मेहंदी लगती है, सब कुछ होता है।
बिल्कुल बाकी जो विशेष रूप से देखेंगे तो हमारे उत्तराखंड का छलिया नृत्य होता है जो यहाँ शादी में बजता है, वो विशेष रहेगा। मतलब आप गाना गाएंगे या नहीं गाएंगे, क्योंकि आपकी आवाज भी तो बहुत सधी हुई है और आपकी आवाज तो लोक संगीत को चार चांद लगा देंगी। ये होता है कि बेटी विदा कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे उत्तराखंड में कहिए तो दुल्हन पक्ष से ज्यादातर पवनदीपी भी है, बहन को विदा करेगा, ज्यादातर गाने वाने हम लोग नहीं, गाने वाले दूल्हे साइड के खूब गाएंगे, अच्छा, बाकी महिला संगीत में ज्योतिदीप ये लोग गाएंगे गाना अरे और वाह, डांस भी करेंगे ये लोग महिला संगीत में। हाँ तो ये होता है जी। अच्छा। और पवनदीप चूंकि अब बड़े भाई साहब है, तो बड़े भाई की क्या भूमिका रहती है? और मतलब अभी तो इतने सारे वो शोज करके आए तो थक भी जाते होंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करने की इच्छा होती होगी, उनके ऊपर क्या जिम्मेदारी है? बड़ा भाई है। पूरी जिम्मेवारी जैसे एज ए फादर लगाइए, बड़े भाई की जिम्मेवारी पूरी वही होती है, जैसे मेरे से भी ज्यादा उसी पे भार होगा, पूरा देखना, मेहमानों को देखना है, किसको कहाँ ठहराना है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं तो हाँ भाई पवनदीप की बहन की शादी में गए थे और हमारे लिए ये कमियां हुई वो हुई ये नहीं देखना, बाकी सब कुछ पवनदीप को ही देखना है।